Tally Baba welcomes you to the 14th episode. Today we are going to focus on inventory. आज हम जो सीखने वाले हैं वो inventory है. तो अज्ञानी ने बाबा को बोला कि exactly inventory क्या होता है मुझे detail में समझाइए. तो let's understand. Inventory means stock. हमारे पास क्या माल पड़ा हुआ है? A list of items and products we own. इसमें कच्चा माल भी हो सकता है, raw material, work in process WIP भी हो सकता है and finished goods, तैयार माल भी हो सकता है. Whatever we own, that is my inventory. Basic inventory की equation क्या है? Opening balance, तो एक तारीख को या जब भी हम जो period के लिए देख रहे हैं, उस दिन पहले दिन क्या stock था, क्या माल मेरे पास पड़ा था, opening, plus receipts, normally purchase करके हमारे पास माल आता है, तो क्या आया, minus issues, sales करके normally माल जाता है, तो minus sales, is equal to closing stock. तो अभी हमारे पास क्या पड़ा हुआ है? तो दो आइटम थी, 10 मैंने ली तो 12 हो गई, 12 में से 8 मैंने बेच दी, 8 I sold, so 4 is the balance. तो 4 को closing बोलेंगे. अब आगे देखते हैं कि tally के अंदर stock summary report होता है main menu में. It gives you a list of items and quantity in stock. तो tally में stock summary report अगर आप देखते हो, तो उसके अंदर ये सब details आ जाती है. इसमें ओपनिंग बैलेंस होता है, रिसीप्ट्स होता है, क्या-क्या आया, इश्यूज, क्या-क्या आपने सेल किया या कोई भी कारण से गया और क्लोजिंग बैलेंस. इन्वेंटरी कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्वेंटरी राइट अमाउंट में होनी चाहिए. बहुत हाई होगी तो आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा, आपका स्पेस ब्लॉक होगा और चीजें खराब हो जाएगी, ऑब्सोलेसेंस. चीजें जो है वो पुरानी होती जाती हैं तो उसे ऑब्सोलेसेंस बोलते हैं. तो बहुत ज्यादा स्टॉक होगा तो भी प्रॉब्लम है, पैसा और स्पेस ब्लॉक हो जाएगा. और लो लेवल अगर होगा, आपके पास माल नहीं है लेकिन ऑर्डर आया, तो यू विल हैव लॉस्ट ऑर्डर्स. तो दोनों खराब है, ज्यादा भी खराब और कम भी खराब. तो ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंटरी होना चाहिए. जैसे रसोई के अंदर नमक होता है, ज्यादा भी प्रॉब्लम कम भी प्रॉब्लम, राइट क्वांटिटी को ऑप्टिमम लेवल बोलते हैं. अब आते हैं इन्वेंटरी वैल्यूएशन के मेथड्स पे, कि इन्वेंटरी मेरे पास स्टॉक जो पड़ा है वो कितने रुपए का पड़ा है. उसके अलग अलग मेथड है, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, और वेटेड एवरेज एक अलग मेथड है. तो तीनों मेथड एक एग्जांपल से समझते हैं. सो लेट्स से मेरा ओपनिंग बैलेंस नील था, मैंने 60 केजीज व्हीट खरीदा. अज्ञानी ने क्या बोला बाबा को, 60 केजीज व्हीट खरीदा, क्या भाव से खरीदा, 25 रुपए से. तो 60 into 25 क्या हो गया, 1500 रुपीस. और 40 किलो जब खरीदा तो भाव बढ़ गया था, तो 5 दिन बाद उसने 40 केजीज परचेस किया 26 रुपीस में. 26 into 4 is 104, so 1040. तो टोटल 2540 रुपए का माल उसने खरीदा 100 केजीज. नाउ उसने बेच दिया 80 केजीज, तो 100 में से 80 किलो गया, बच गया कितना, 20 केजीज. अब ये 20 केजीज जो माल पड़ा है उसकी वैल्यू क्या है, कितने रुपए का है. अगर मैं फीफो लेता हूँ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब पहले आया वो पहले गया, तो ये 60 केजी तो पूरा चला गया, बचा 20 किलो. तो 20 किलो 26 रुपीस पे मैं लूंगा, क्योंकि 25 रुपए का माल तो ऑलरेडी गया, तो 26 रुपए का माल बाकी है. फर्स्ट इन तो फर्स्ट आउट हो गया, गया तो 26 into 20 is 520. तो फीफो के हिसाब से 520 रुपीस का माल पड़ा हुआ है. लीफो, व्हाट द लीफो वैल्यूएशन सेज, लास्ट इन फर्स्ट आउट. तो 40 किलो जो लास्ट में आया था वो पहले चला गया. जैसे सीमेंट की बैग हम लगाते हैं, तो सीमेंट की बैग में क्या होता है कि हम लगाते जाते हैं जैसे जैसे माल आया, लेकिन जब देंगे तब तो ऊपर से देंगे ना, नीचे से थोड़ी निकालेंगे. तो लास्ट में जो सीमेंट की बैग आई वो पहले चली जाती है. तो लास्ट इन और फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होता है कि ये जो 26 रुपीस का माल है, 40 केजीज, वो तो चला गया, और जो मेरे पास बचा है वो 25 रुपीस का है, ऐसा हम मानेंगे. तो लीफो मेथड के हिसाब से 20 केजीज जो माल पड़ा है वो 25 रुपीस के रेट के हिसाब से है, इसलिए लीफो वैल्यूएशन बोलता है कि 500 रुपए का माल पड़ा है. और वेटेड एवरेज मतलब अलग अलग भाव में जो भी कुछ माल आया था वो सबका टोटल मारो, तो टोटल 2540 रुपए में 2540 आई परचेज 100 केजीज. तो एक का प्राइस क्या हुआ, इसको डिवाइड बाय 100 कर दो, तो एक किलो का प्राइस हो गया 2540 को सीधा इसको इससे डिवाइड कर दो,
तो 25 रुपए 40 पैसे का है माल, कोई भी माल हो, तो 20 किलो पड़ा है इंटू 25.40 तो 508 रुपया। तो एक ही स्टॉक है 20 किलो, फीफो के हिसाब से 520 का माल है, लीफो के हिसाब से 500, वेटेड एवरेज के हिसाब से 508। तो ऑडिटर लोग जब आते हैं सीए की ऑफिस से, वो लोग क्लोजिंग स्टॉक चेक करते हैं कि आपकी बुक में लिखा है 20 किलो, लेकिन फिजिकली 20 किलो पड़ा हुआ है क्या, और उसकी वैल्यू क्या है, और ये वैल्यूएशन के मेथड्स है। तो टैली अलग अलग वैल्यूएशन मेथड्स के हिसाब से आपका माल क्या कितने रुपए का पड़ा है वो भी दिखाता है। इन्वेंट्री में और भी कुछ बहुत कुछ है, दैट वी विल कवर इन फर्दर एपिसोड्स। व्हाट आई रिक्वेस्ट टू यू इज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको मिलेंगे, लाइक इट, आई लुक फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स, एंड इन अवर स्टूडेंट ऐप गिव द क्विज विच इज नेम्ड एज इन्वेंट्री क्विज। इन्वेंट्री क्विज दीजिए तो आपके कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा क्लियर होंगे। लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव यू अगेन, सी यू, बाय।